आज कराची को खुश आमदी। जैसे कि आपको मालूम है कि PSL का महीना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर चारों तरफ आज रात को भी गहमा गहमी है। लोग चाय पीने आए हुए हैं और इनके वीडियो देखते हैं कि कौन सी टीम फेवरेट है, कौन सी टीम PSL में जीतेगी, इस PSL के हवाले से लोगों के रिव्यू लेंगे। क्या नाम है भाई आपका? निसार शाह भाई। आप PSL के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे हमारी अब को? आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी टीम को आप सपोर्ट करना चाहेंगे? मेरा फेवरेट टीम पेशा ग्लेडिएटर है। अच्छा, पेशा से बिलोंग करता हूँ। माशा, हम लोग जो है ना पेशा को सपोर्ट करते हैं। ये बिल्कुल ये ज़बरदस्त है, पाकिस्तान के लिए भी एक ज़बरदस्त मौका है, क्योंकि अभी आजकल आप जो देख रहे हो कि जिमे तो इसका जो फ़ायदा है ना वो तो आप लोग देख रहे हो ना कि आजकल जो सारे फॉरेन कंट्रीज है वो आजकल पाकिस्तान आ रहे हैं। लास्ट नाइट बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया जैसे सारे वो भी आ रहे हैं। तो PSL के तवज्जो से यहाँ पर रवाना शुरू हुई है इंटरनेशनल टीमें, आने खिलाड़ी जो हैं वो आना शुरू हुए PSL के रेफरेंस से। अब आगे जाके जाहिर सी बात है सारी चीज़ें टीमें भी आना शुरू हुई, तो बिल्कुल आगे बात बिल्कुल सही है। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त जो है ना वो टैलेंट जो है ना वो भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल है, टैलेंट निकल के सामने आ रहा है, टैलेंट सामने आ रहे हैं ना। तो इसका जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान टीम, इसका इफेक्ट जो है ना वो पाकिस्तान टीम में भी बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है इसका, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है ना आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, जो है ना वो सारा क्रेडिट जो है ना वो दे सके। तो आप कराची में रह रहे हैं माशाल्लाह, और कराची में रिहायशी आप मिटक हैं जी, आप कराची में भी रह रहे हैं और कराची में इस टाइम पर रात के टाइम पे आप यहाँ पर बैठे हुए चाय पी रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है आपको कराची का? जी कराची का बहुत ज़बरदस्त माहौल है, बिल्कुल इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है आपको कराची में? मैं वैसे भी इधर घूमने के लिए आया हूँ। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि आप तो हमारे मेहमान हैं तो इंशाल्लाह। अच्छा एक बार आप बोल दीजिए, आप अपनी टीम को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी टीम के कप्तान सरफराज साहब को? जी हम लोग जो है ना पैसा के लिए जैसे को सपोर्ट करें, और हमारा उम्मीद है कि इंशाल्लाह पैसा जो है ना इस बार भी हाँ फाइनल जीत जाएगा। लोग पैसा को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार भी हमारा उम्मीद है कि पैसा जो है ना वो इस बार भी फाइनल जीत जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम नेमत खान। नेमत खान, नेमत खान PSL शुरू होने वाला है कराची में पाकिस्तान में। जी जी, तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे, आपकी फेवरेट टीम कौन सी? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं। मेरे फेवरेट टीम जो है ना कराची है। कराची किंग? कराची किंग है मेरा फेवरेट टीम। ठीक है, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा प्लेयर लगता है? अच्छे तो हमारे माशाल्लाह से सारे प्लेयर ही अच्छे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बिल्कुल, और प्लेयर भी हमारे सारे ही अच्छे हैं। अच्छा, कराची के मैचेस देखने आप बिल्कुल मेरे ख्याल से स्टेडियम भी जाएंगे इंशाल्लाह? आपके दोस्त भी आए हुए हैं कोयटा से? ये मेरा दोस्त है, हमारा मेहमान है, भाइयों की तरह है, ये भी कोयटा से आए हुए हैं, और हमारा जो है ना इस दफा इंशाल्लाह मेरे ये भरपूर तैयारियां हैं। आप लोग तैयारी है और हमारे PSL के हवाले? जी जी, तो इस बार PSL आप लोग जाएंगे एंजॉय करने, इस टाइम पर यहाँ पर रात में आप कराची में आए हो इंशाल्लाह, और मैं कैच भी पकड़ूंगा इंशाल्लाह, वो पेप्सी कैच करूंगा। ठीक है इंशाल्लाह, फिर देखिएगा PSL में मुलाकात। ये भाई आगे मोहम्मद दाऊद कराची में पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे, आपकी कौन सी टीम फेवरेट है, आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? यार हम कराची के मुकामी है तो कराची को ही सपोर्ट करेंगे, और PSL के बारे में सुनने में आ रहा है कि शर्जील खान को विन किया जा रहा है, तो ये उनके लिए एक गोल्डन चांस जैसा है, उनके एक हाँ बैन लगने के बाद वापस आए तो फिर कराची की टीम भी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस हवाले से। तो हाँ कराची के हाँ ओके ओके, जिंदाबाद।
क्या हाल है आपके, क्या नाम है आपका? अरबाब। अरबाब, अरबाब भाई, पी एस एल के हवाले से आप ये बताएंगे आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ। इस्लामाबाद को स्पोर्ट में इसलिए करता हूँ, बहुत अच्छी टीम है, दो तीन बार वो जीती है, कप वगैरह लेके गई है, और मेरा फेवरेट जोन सा खिलाड़ी है वो रोंकी है। हाँ, बाहर से आ रहे हैं तो शामदीन, उनका बहुत शुक्रिया है कि इतनी बाहर से आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान में मैच खेलने, तो हमें बहुत खुशी है कि वो बाहर से आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए। हाँ, रौनक बढ़ती है क्योंकि दोबारा जज्बा आता है कि इंसान में पाकिस्तान में, कि नहीं यार हमारे पाकिस्तान में बाहर से कुछ लोग खेलने आ रहे, कुछ पाकिस्तान को समझते हैं इस तरह। हाँ बिल्कुल, वो तो पाई जाती है। हाँ ये ध्यान, हाँ शादाब खान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जज्बा है ये तो, बिल्कुल मोहब्बत है पाकिस्तान की मिट्टी में, इतनी मोहब्बत है कि मोहब्बत जो बढ़ती जा रही है आगे तरफ, और लोगों को दिख रहा है कि बाहर से इसलिए लोग आ रहे हैं कि पाकिस्तान की मिट्टी में बहुत जा रहे हैं। मुनव्वर, मुनव्वर भाई पीएसएल कराची में आ चुका है, पाकिस्तान में आ चुका है, उसका महीना ये मंथ स्टार्ट हो चुका है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपकी टीम कौन सी फेवरेट है, कौन सी खिलाड़ी आपको पीएसएल में पसंद है? फेवरेट टीम हमारी कोयटा ग्लेडिएटर है, तो सरफराज कराची का है। कराची को भी कर रहे हैं लेकिन खिलाड़ी में सरफराज को कर रहे हैं, क्योंकि वैसे की वो प्योर कराची है। बाहर से जितने भी प्लेयर आ रहे हैं उनके लिए हम वेलकम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आए वो पाकिस्तान में बिल्कुल अमन है, कोई टेंशन नहीं है। बाहर से वैसे भी टीमें आ रही हैं, जैसे बांग्लादेश आई, श्रीलंका आई, अब इंशाल्लाह अफ्रीका भी आएगी, तो तमाम प्लेयर बढ़ता चला जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान भाई ये बताएं, पीएसएल का मंथ शुरू हो चुका है, तो पीएसएल के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे, कौन सी टीम आपकी फेवरेट है, कौन कौन से खिलाड़ी आपके फेवरेट? भाई हमारी जो वो फेवरेट टीम है वो कराची किंग है। उसकी वजह ये है कि उसके जो कप्तान है सरफराज अहमद, अब है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, ग्लेडिएटर के कप्तान है। हाँ बिल्कुल, कराची किंग जो है हम लोग सपोर्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि हम कराची में रहते हैं, लेकिन सरफराज को हम मशवरा देंगे आप कराची के तो कराची से खेलें, क्वेटा से नहीं खेलें। और सेकंड ये कि वो तो हमारे एरिया के बंदे, बफर जोन में रहते हैं, हम खुद बफर जोन में रहते हैं। अच्छा। मैं तो अभी लास्ट टाइम बकरा ईद वाले दिन उनसे मिलकर भी आया था, उनसे डिस्कस भी करके आया था, उनको बोल कर आया था सरफराज भाई कि आप क्वेटा को छोड़ें, कराची के साथ हैं, कराची वाले हम बहुत वेलकम करते हैं उनको, बहुत खुश आमदीद कहते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से जो यहाँ पे बहुत अमन आया है। पिछले साल आपने देखा, अभी श्रीलंका की टीम खेल के गई है, बांग्लादेश की टीम खेल के गई है, आपके सामने सब कुछ क्रिकेट बहाल हो रही है, आलमी मीडिया दिखा रहा है इसको सब चीज़, और ये बहुत अच्छा इवेंट है। मैं तो कहता हूँ सारे मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए, पीएसएल के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए। पीएसएल पाकिस्तान में ही करवा रहे हैं और बहुत अच्छी काविशें हैं, खासतौर पर हमारी एजेंसियों को और हमारी हुकूमत को और हमारे पीसीबी वालों को हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, कि उनकी वजह से हमें ये इन्जॉयमेंट के मौके अपने मुल्क अपने शहरों में मिल रहे हैं। आपका क्या नाम है? असदुल्ला खान। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइम जो है हमारे पाकिस्तान में बहुत अमन आ गया है, काफ़ी यानी कि पीएसएल मैचों से जो है बहुत से यानी कि पाकिस्तानी अवाम जो इन्जॉयमेंट कर रही है और बहुत ही अच्छा हो रहा है। और मैं जो सपोर्ट करूँगा ख़ास तौर पे पेशावर जलमी को, पेशावर जलमी इज़ द बेस्ट टीम भी है, उनके जो सारे क्रिकेटर्स हैं माशाल्लाह बहुत ही यानी जोश व खरोश से भी खेलते हैं, और मैं अभी नहीं शुरू से ही सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उसमें एक डैरन समी है, मैं बहुत ही उसका मतलब मेरा फेवरेट खिलाड़ी भी वही है, और बाकी इंशाल्लाह ताला इस बार उम्मीद भी है कि नए
وزیر اعظم پاکستان کے آنے سے بہت زیادہ تبدیلی بھی آ گئی اور انجوائمنٹ بھی ہو رہی ہے, عوام بہت خوش ہے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر سال یعنی کہ میچز جو ہے وہ کراچی میں ہی ہوتے رہیں. ہر سال یہ ہے کہ پنجاب جو پچھلے آپ حکومت میں دیکھتے جاتے کہ پنجاب کی حکومت ہی وہیں کرواتی تھی, ہر سال جو ہے نا کراچی میں ہونے چاہیے, جس سے کراچی کے عوام لطف اندوز فیملیز وغیرہ یہ ہے انٹرٹینمنٹ وغیرہ کریں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان بہت چینج ہوگا. شکریہ سر.